हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय किचन। मैं हूं नेमत और मेरे किचन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज पिकनिक स्टाइल मटन करी बनाते हैं। तो इसमें कोई झंझट नहीं है, ज़्यादा पीसे हुए मसाले की ज़रूरत नहीं है, लहसुन अदरक भी हमें काट के इस्तेमाल करना है। तो मेरे साथ बने रहें, स्टेप्स को फॉलो करें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/2 kg मटन लिया है, ये फ्रेश मटन है और इसमें बड़े मज़े मज़े की बोटियाँ हैं। यहाँ चाप के भी गोश्त है और सिंपल बोटियाँ भी हैं। इन्हें धोकर मैंने 1/2 घंटा पहले छान लिया है। अब मैंने यहाँ पर एक खुले मुँह का कुकर लिया है और इसमें यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ मैंने प्याज को चॉप कर लिया है। आप अपने पसंद के हिसाब से किसी तरह से भी प्याज काट लें, आखिरकार तो इन्हें गलना ही है। अब यहीं पर ये धुला हुआ मटन भी इसमें डाल दें। इसके गलने के लिए यहाँ पर मैंने 300 ml पानी डाला है। आप अपने कुकर के हिसाब से और गोश्त की टेंडरनेस के हिसाब से इसमें पानी डालें, और चाहे तो इसे खुले पैन में, कढ़ाही में भी बना सकते हैं, मगर वक्त ज़्यादा लगेगा। अब इसमें कुछ खड़े मसाले भी डाल दें। यहाँ पर मैंने 1/2 teaspoon ज़ीरा, 1/2 teaspoon काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची और थोड़ी सी जावित्री ली है। तो ये पिकनिक स्टाइल मटन करी बन रहा है। यहाँ पर कोई भी मसाला पीसकर नहीं जाने वाला है। तो मैंने अदरक लहसुन भी यहाँ पर बारीक कतर लिया है। ये 1 inch का टुकड़ा अदरक का है और 10 कलियाँ लहसुन की हैं। आपकी लहसुन की कलियाँ अगर बड़ी हों तो कुछ कम डालें और छोटी हो तो थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। अब मसाले के लिए यहाँ पर एक पूरा टमाटर जो है वो मैंने चॉप कर लिया है, तो उसे डाल लें। अब पाउडर मसाले में मैंने यहाँ पर 1 teaspoon भरकर धनिया पाउडर लिया है, 1/2 teaspoon रेड चिली पाउडर है, 1/2 teaspoon हल्दी पाउडर है, 1/2 teaspoon ज़ीरा पाउडर है और 3/4 teaspoon नमक है। साथ में यहाँ पर 1/2 teaspoon ही गरम मसाला पाउडर है। 1 चुटकी गरम मसाला हम भूनते वक्त इस्तेमाल करेंगे। खूबसूरती के लिए मैंने यहाँ पर 1 मिर्च इस्तेमाल किया है और खुशबू के लिए 1 तेज़पत्ता लिया है। तो ये मसाले आप तैयार कर लें। अब इन मसालों को गोश्त के ऊपर डाल दें, कुकर का ढक्कन बंद कर दें और 95% गलने तक इसे पका लें। एक नॉनस्टिक पैन में 4 tablespoon मस्टर्ड ऑयल और 1 tablespoon घी डालकर गरम करें। इसके गरम होते ही यहाँ पर लौंग, इलायची और जो दालचीनी हमने लिया है उसकी बघार इसमें डाल दें। अब एक बड़े साइज का प्याज को बारीक कतर कर इसे इसमें गुलाबी होने तक तलिए। बीस मिनट तक प्रेशर कुक होने के बाद आप देख सकते हैं कि गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है, मगर अभी इसमें पानी बाकी है। आप देख सकते हैं कि हड्डियों से गोश्त अलग हो रहा है। अभी हमने इसमें तेल का इस्तेमाल नहीं किया है। सेकेंड स्टेज में हमें इसे प्याज के साथ डालकर अच्छी तरह से भून लेना है। अब प्याज गुलाबी हो चला है तो इसमें गोश्त को डाल दें। अब आप गोश्त का रंग देख सकते हैं, बेहतरीन खुशबू इससे आ रही है। अब इसे 2-3 मिनट तक हम दम पर पकने देंगे। चार मिनट तक धीमी आंच पर दम पर रखते हुए गोश्त अब बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर आप इसका कलर और टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही लाजवाब
और बहुत ही शानदार इसकी खुशबू है। आप इसे नान के साथ, चपाती या पराठे के साथ खा सकते हैं। तो पिकनिक पर बनाए जाने वाला ये आसान सा मटन करी अब आप हर दिन अपने घर में बना सकते हैं, क्योंकि ये झंझट फ्री है और बहुत आसानी से बन जाता है। और इस मटन करी की खास बात यह है कि आप फर्स्ट स्टेज पर बनाकर इसे पहले से तैयार कर लें, और जब आपको खाना हो आप फौरन इसे फ्राई कर लें। तो इसे खाएं, खिलाएं और लोगों के साथ इसकी रेसिपी को शेयर करें। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो को आपने इंजॉय किया होगा। तो बने रहें हमारे साथ और इंतज़ार करें नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू।